नमस्ते। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं फुल फ्लेयर फ्लोर लेंथ अम्ब्रेला गाउन का स्टिचिंग यानी सिलाई। अगर इसका कटिंग का वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर देखिएगा। इसका कटिंग मैंने डिटेल के साथ बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो आज हम सिलाई देखेंगे। तो यहाँ पर हमने घेरे का कटिंग कर लिया था, एक दूसरे के ऊपर मैंने दो घेरे रख दिए हैं। अब मैं इन दोनों घेरों को साइड से सिलाई लगाऊंगी जहां पर आपको येलो कलर के लाइन दिख रहे हैं। अब आते हैं घेरे की ओर। तो घेरे में मैंने यहां पर ज्वाइंट लगा दिया है, सिलाई ज्वाइंट की लगा दी है। ज्वाइंट लग जाने के बाद इसको भी हम दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे। अब मेन फैब्रिक को मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा दी है और ये कमर की गोलाई हमारी इस तरह से दिखेगी। सेम इसी तरह से मैंने लाइनिंग के कपड़े को भी दोनों साइड से सिलाई लगा दी है और इसकी भी कमर की गोलाई यहाँ पर इस तरह से दिखेगी। अब हमें सबसे पहले लाइनिंग का कपड़ा मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से रखेंगे और दोनों की कमर की गोलाई सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, ये दोनों हमारे सेम हैं। अगर कम ज़्यादा है तो आप सेम कर लीजिएगा। अब हमें लाइनिंग के कपड़े को कमर के हिस्से में इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर नॉच लगाना है। आप चौक से भी मार्किंग कर सकते हो, इस साइड में भी करना है। सेम उसी तरह से मेन फैब्रिक की कमर की गोलाई को भी हमें सेंटर में फोल्ड करना है और यहां पर नॉच लगाना है। अब ये हमारी उल्टी साइड है मेन फैब्रिक की, तो मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, यानी कि ये घेरे की सीधी साइड ऊपर की तरफ आएगी और ये लाइनिंग की भी सीधी साइड ही ऊपर की तरफ होगी। यहाँ पर मेरी ये रॉन्ग साइड है, एक्चुअली ये गलती से मुझसे हुआ था, लेकिन मैं आपको गलत नहीं बताऊँगी। तो दोनों की सीधी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए और फिर लाइनिंग को आपको अंदर की तरफ डालना है। तो लाइनिंग को अंदर की तरफ डालने के बाद लाइनिंग की कमर की गोलाई और मेन फैब्रिक की कमर की गोलाई दोनों हमें इस तरह से मिलाने हैं। मिलाने के बाद सबसे पहले दोनों के सेंटर नॉच जो हमने लगा कर लिए थे वो मिलाएंगे और वहाँ पर पिन लगाएंगे। दूसरे साइड में भी हमारा सेंटर नॉच है, तो वहाँ पर भी दोनों सेंटर नॉच मिलाकर पिन लगाएंगे और इसी तरह से मैं पूरे कमर के गोलाई में पिन लगा कर लूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरी मैंने राउंड में पिन लगा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आप पिन नहीं लगा सकते तो आप हाथ से बड़े टाके भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिलाई शुरू कर दी है। ये पाव इंच यानी क्वार्टर इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हम पूरे राउंड में यानी पूरी कमर की गोलाई में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगने के बाद हमारा जो घेरा है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। फिर हम चोली पार्ट को सिलने के लिए लेंगे। पूरी सिलाई हो चुकी है और आप देख सकते हो घेरा और हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों एक दूसरे को अच्छे से अटैच हो चुके हैं। इसको रखेंगे साइड में और आते हैं चोली की ओर। तो मैं सबसे पहले मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को मिलाते हुए पिन लगा दिया और फिर मैं चारों ओर से इसको सिलाई लगा दूंगी। तो इस बैक पैटर्न को मैंने पूरी तरह से सिलाई लगा दी है, इससे मेन फैब्रिक और लाइनिंग एक दूसरे को अटैच हो चुके हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है बाहर की ओर मेन फैब्रिक का, उसको हम कट कर देंगे क्योंकि कटिंग करते समय ही हमने इसको एक्स्ट्रा लिया था। ये अब रेडी है। अब हम करेंगे डार्ट का मार्किंग। तो हमने हमारे कार्डशीट पैटर्न के ऊपर डार्ट का मार्किंग किया था लेकिन कपड़े के ऊपर नहीं, तो कार्डशीट को रख देंगे और उसके अनुसार नीचे की तरफ डार्ट का मार्किंग कर देंगे। डार्ट का मार्किंग हो चुका है, अब इसकी सिलाई करते हैं। डार्ट को बराबर से सेंटर में पकड़ेंगे, अच्छे से रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो अब हम
यहाँ पर बैक पैटर्न सबसे पहले रेडी कर रहे हैं, उसके बाद हम लेंगे हमारे फ्रंट का पैटर्न। ये हो गया हमारा बैक पैटर्न रेडी। यहाँ पर हम नेक अभी नहीं फिनिशिंग करेंगे नेक का, इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। अब आते हैं फ्रंट की ओर। फ्रंट की ओर भी हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अच्छे से पिनअप कर देंगे। इससे होता क्या है, हमारा जो मेन फैब्रिक और लाइनिंग है वो सिलाई लगाते समय हिलेगा नहीं। अब इसको भी मैं चारों ओर से सिलाई लगा कर लूँगी, इस पैटर्न को भी मैं चारों ओर से सिलाई लगाऊंगी और इस पैटर्न को भी। तीनों पैटर्न को मैंने सिलाई लगा कर ले ली है, ये अच्छे से अटैच हो चुके हैं। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे, जिस तरह से हमने बैक पैटर्न का कट किया था। तीनों पैटर्न का एक्स्ट्रा का फैब्रिक हम कट कर देंगे। और ये मैंने कट कर दिया। कट कर देने के बाद ये जो साइड के दो पैटर्न हैं, ये प्रिंसेस कट पैटर्न, ये दोनों हम हमारे सेंटर पैटर्न को ज्वाइंट कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। तो अब हम सबसे पहले एक पैटर्न ज्वाइंट करेंगे, इसको अच्छे से यहाँ पर रखेंगे। हमने हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा था तो उतना ही हमें लेते हुए सिलाई लगानी है। अगर आप कम सिलाई मार्जिन लोगे तो यहाँ पर ये लूज हो जाएगा या थोड़ा सा फिटिंग खराब हो जाएगा। जितना सिलाई मार्जिन आपने छोड़ा है उतनी ही आपको सिलाई में लेना है। तो एक साइड मैंने अटैच कर दी, इसी तरह से हम ये वाली साइड भी अटैच कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से बराबर से रख देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। सिलाई लगाते समय ना हमें ऊपर का पैटर्न खींचना है और ना ही नीचे का। ये सही से लग जाने के बाद ये हमारा फ्रंट का पैटर्न रेडी हो जाएगा। आप डबल सिलाई लेकर लीजिएगा। अब नेक का फिनिशिंग करेंगे। नेक का फिनिशिंग करने के लिए हम बायस स्ट्रिप यूज़ करेंगे, यानी ओरे पट्टी। ये 1.5 इंच मैंने ले ली है। ओरे पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच यानी 1.5 इंच ले ली है। अब यहाँ पर 1/4 इंच यानी 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए नेक को ज्वाइंट करेंगे। तो ये नेक हमारा लीप शेप में है, इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। अब हम जब नेक के कोने में आते हैं नीचे की ओर, तो यहाँ पर एक बड़ी वाली प्लीट लीजिएगा ताकि ये कपड़ा अच्छे से ऊपर की तरफ मुड़ जाए। यहाँ पर मैंने बड़ी वाली प्लीट ले ली और कोने में अच्छे से सुई अंदर की तरफ ही रहने देंगे और कपड़े को घुमाकर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। फिर अब हम सिलाई को आगे की तरफ लेते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि छोटी सी प्लीट देनी चाहिए तो आप दे सकते हो। इस तरह से ये नेक हमने जोड़ दिया। अब हमेशा की तरह नॉचेस लगा कर लेंगे। छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे, सिलाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इस पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ते समय जो सिलाई मार्जिन है वो बीच में रहेगा। और अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो बायस स्ट्रिप की मदद से गले का फिनिशिंग किस तरह से करते हैं, इसका सेपरेट एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। छोटे छोटे टिप्स के साथ उसमें बताया है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अच्छे से इसको फिनिशिंग के साथ हम जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर कॉर्नर है तो कॉर्नर की ओर इस तरह से अच्छे से कोने को बाहर निकालेंगे, जहाँ पर हमने प्लीट ले ली थी नीचे की ओर, और फिर हम सिलाई लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो, या फिर इसके ऊपर हम सेपरेट एक वीडियो भी बनाएंगे कि ये कुछ डिज़ाइंस हैं नेक के, जिसको हम बायस स्ट्रिप की मदद से किस तरह से ज्वाइंट करते हैं। तो ये पूरी पट्टी लग चुकी है। पट्टी लग जाने के बाद इसको हम
इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो आप देख सकते हो पूरी फिनिशिंग के साथ ये नेक हमारा रेडी होता है। लेकिन अभी हम इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। अब लेते हैं ये बैक का पैटर्न जो हमने तैयार करके रखा था, इसके ऊपर रखेंगे हम हमारा फ्रंट का पैटर्न जिसका हमने नेक का फिनिशिंग किया है, लेकिन बैक के पैटर्न का हमने अभी भी नेक फिनिशिंग नहीं किया है, वो हम जिप अटैच हो जाने के बाद करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा नाप के देखिएगा, बैक पैटर्न हमारा हाफ हाफ इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था बैक पैटर्न में जिप अटैच करने के लिए फोल्ड के ऊपर। तो इस तरह से दोनों साइड में हाफ हाफ इंच बैक पैटर्न एक्स्ट्रा आना चाहिए। अब इसके शोल्डर किस तरह से ज्वाइंट होगी, तो शोल्डर को अच्छे से मिला दीजिएगा। फ्रंट की और जो हमारी पट्टी है नेक की, वो हमें बाहर की तरफ निकालनी है इस तरह से। और ये दोनों शोल्डर एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखेंगे, बाहर की साइड से अच्छे से मिला दीजिएगा और अंदर की साइड में सिलाई लेके जाइएगा। बाहर की साइड से शुरू करेंगे, आर्म होल की साइड से अच्छे से मिलाते हुए नेक की और ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस साइड में भी मिलाइएगा शोल्डर को बाहर की साइड से और ये सिलाई ले लीजिएगा। सिलाई हो जाने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे ये किस तरह से हमारे शोल्डर ज्वाइंट हुए हैं। तो देखिए फ्रंट की और हमारी पट्टी लगी थी, तो ये इस तरह से हमारे ज्वाइंट हो गए शोल्डर। क्योंकि बैक का नेक का फिनिशिंग किया नहीं है, वो हम बाद में करेंगे। अब हम अटैच करेंगे दोनों साइड में स्लीव। तो स्लीव की फोल्ड बॉटम में मैंने फोल्ड करके लिया है और स्लीव मैंने अटैच कर दी, बिल्कुल हमारे नॉर्मल कुर्ती की तरह या ब्लाउज की तरह ही अटैच करने हैं। स्लीव अटैच हो जाने के बाद पैटर्न को आप इस तरह से बराबर से सेंटर में फोल्ड कीजिएगा और जो बैक की साइड है वहाँ पर सेंटर में लाइन बना दीजिएगा। ये हो गई सेंटर लाइन। अब जहाँ पर सेंटर लाइन है उसके साइड में क्वार्टर इंच की दूरी पर यानी पाव इंच की दूरी पर लाइन बना दीजिएगा दोनों साइड में। अब जो ये लाइन बनाई है इसके ऊपर हमें सिलाई लेनी है, तो मैंने सिलाई ले ली। अब ये सिलाई हमने किस क्यों लिए है, क्योंकि हमें यहाँ पर जिप अटैच करनी है, तो इसलिए ये सिलाई लेना ज़रूरी है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो दोनों साइड में मैंने सिलाई ले ली है बैक पैटर्न में और स्लीव भी अटैच हो चुके हैं, तो इसका फिटिंग हम कर डालते हैं तो ये चोली पैटर्न हमारा रेडी हो जाएगा। तो जितना सिलाई मार्जिन आपने छोड़ा है उतना लेते हुए आप फिटिंग कीजिएगा, या फिर आप टेप से एक बार नाप लीजिएगा, अपने फिटिंग का मार्किंग कीजिएगा और फिटिंग कर सकते हो। तो मैंने एक एक इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा था, उसी के अनुसार मैं यहाँ पर एक इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए इस चोली का फिटिंग करूँगी। बस आपको बैक के साइड में जो हमने लाइन बनाए हैं वो ध्यान में रखिएगा जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है। अब ये रेडी हो चुका चोली का पैटर्न। रेडी हो जाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब हम इसको बराबर से सेंटर में फोल्ड करेंगे, इस तरह से बीच में उंगली रखकर सेंटर में फोल्ड कीजिएगा। फोल्ड करने के बाद इस साइड में यानी फिटिंग वाली साइड में एक इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना है, 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना है और इस डार्ट से होते हुए हमें तिरछी लाइन बनानी है। अब जो ये लाइन बनाई है उसके ऊपर से हम कट कर देंगे। घबराइएगा नहीं, इससे हमारी चोली की लेंथ या हमारे घेरे की लेंथ या हमारे गाउन की लेंथ कम नहीं होगी। जब हम इसको घेरा अटैच करेंगे तो वो घेरा बहुत अच्छे से शेप में बैठ जाता है हमारे कमर के हिस्से में, साइड से ये पिघला हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए हमें ये कट लगाना है। अब चलो घेरे को ज्वाइंट करते हैं। तो ये है हमारा घेरा और घेरे को मैंने उल्टा कर दिया है, यानी लाइनिंग वाली साइड मेरी ऊपर की तरफ है। सबसे पहले इस घेरे को हमें सेंटर में निशान लगाना है। अब ये चोली का पैटर्न हमारा सीधा है। चोली के पैटर्न में भी बैक में और फ्रंट में सेंटर का निशान बना दीजिएगा और बस अब इसको हम अंदर की तरफ डालेंगे।
तो मेन फैब्रिक जो है हमारा अंदर की साइड में है घेरे का। अब ये साइड की जो सिलाई होती है, ये साइड की सिलाई और हमारी चोली की सिलाई दोनों एक दूसरे को मिला दीजिएगा। यानी साइड फिटिंग हमारी चोली की और घेरे की साइड फिटिंग दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखेंगे और यहाँ पर पिन लगा दीजिएगा। इस साइड में भी वैसा ही करेंगे। पिन लगाने के बाद अब हम इसको सेंटर भी मैच करेंगे और सेंटर में भी पिन लगाएंगे। इससे क्या होता है, घेरा बराबर से गोलाई में ज्वाइंट होगा, आगे पीछे नहीं होगा। इस साइड का भी सेंटर मिलाते हुए पिन लगाएंगे। घेरे का सेंटर, चोली का सेंटर मिलाते हुए पिन लगा दी। अब यहाँ पर गोलाई में घेरे को जोड़ना है। अगर आपको लगता है घेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है तो आपको बस घेरे में छोटी सी प्लीट्स दे दीजिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है सिलाई करते वक्त। अगर नहीं लगता है तो आप प्लेन इसको ज्वाइंट कर सकते हो। अगर लगता है थोड़ा घेरा एक्स्ट्रा हो रहा है या स्ट्रेच होने के कारण हो सकता है तो छोटी प्लेट ले लीजिएगा बिना दिक्कत। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे राउंड में। सिलाई लगाते समय मैं पिन को निकाल दूंगी और ये जो सिलाई मार्जिन है मेरी चोली का वो मैं इस तरह से थोड़ा सा ऊपर ले लूंगी ताकि ये सिलाई में ना आए। अगर आप सिलाई में इसको लेना चाहते हो तो बैक साइड में यानी पीछे के साइड में इसको पुश कर दीजिएगा। पीछे के साइड में इसको पुश करके इसके ऊपर आप सिलाई ले सकते हो। अगर नहीं लेना चाहते तो मैंने जिस तरह से वीडियो में दिखाया है उस तरह से सिलाई मार्जिन को ऊपर की तरफ रखकर सिलाई लीजिएगा। इसको हम राउंड में सिलाई लेंगे और सिलाई लेते समय हाफ इंच सिलाई मार्जिन रखिएगा। यहां पर यह हमारा सिलाई मार्जिन है तो इसको मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ रखा और सिलाई ले ली। इसी तरह से राउंड में अच्छे से सिलाई लेनी है तो ये मेरी यहाँ पर कहीं पर भी प्लेट नहीं आई, ये पूरे राउंड में बैठा है। अगर आपको लगता है कि बैक साइड में हमने एक्स्ट्रा लिया था तो वहाँ पर घेरा अपने आप मैच हो जाता है, क्योंकि ये बायस होता है तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाने के कारण ये अपने आप बैठ जाएगा। तो आपको याद होगा बैक के पैटर्न में, चोली के बैक के हिस्से में हमने दो सिलाइयाँ लगाई थी सेंटर की साइड में, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ चॉक की मदद से। अब ये सिलाई लगाई थी तो ये जो निशान है ये 3 इंच घेरे के ऊपर भी नीचे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से, और एकदम बराबर से सेंटर में से हमें कट कर देना है। घेरे के ऊपर भी हम 3 इंच नीचे तक कट कर देंगे। ये बराबर से सेंटर में कट किया है। अब आपको समझ में आ गया होगा हमने क्यों कट सिलाई लगाई थी बैक पैटर्न में। अब यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे दोनों साइड में। जहाँ तक हमने कट किया है तो 1 इंच कट हमारा नीचे की तरफ रहेगा और वहाँ पर हमने निशान लगाए। ये हमारी जीप है और जीप की ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो सीधी साइड से हम जीप को इस तरह से रख देंगे। यहाँ पर रखने के बाद ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मैं एक पिन लगा देती हूँ ताकि ये फिक्स हो जाए यहाँ पर। अब ये जो जीप होती है इनविजिबल जीप, इसका लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। इसको इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पर पिन लगा देंगे। तो देखिए मैंने किस तरह से मोड़ा है इसको, इसको नीचे कर देते हैं और यहाँ से मोड़ने में आसानी होगी। जो 1 इंच का निशान लगाया था वहां से हम इसको पिनअप करेंगे। तो यहाँ से हम पिन लगा देते हैं पूरे एक साइड में। अगर आप जीप नहीं लगाना चाहते तो आप बैक की साइड में हुक भी लगा सकते हो, बच्चों के लिए हुक लगा सकते हो। 3 से 4 इंच ओपन रखेंगे बैक साइड में और वहाँ पर आप हुक लगा सकते हो। अब इस साइड में भी मैं उसी तरह से जिप को मोड़ूंगी और पिनअप कर दूंगी। तो दोनों साइड में मैंने पिनअप कर दिया है। अब आते हैं सिलाई मशीन की ओर,
इसके ऊपर सिलाई लगाने के लिए। तो जिपर फुट का इस्तेमाल करेंगे। जिपर फुट यानी एक ही साइड में इसका दबाव होता है और एक ही लेग्स होता है इसका, और इसको हम इस तरह से रखेंगे। जिप जो है हमारी, इसको हम थोड़ा सा दबाएंगे और एकदम किनारे से होते हुए हम सिलाई लगाएंगे। जिप के ऊपर सिलाई नहीं जाएगी, इसका ध्यान रखना है, और साथ ही में किनारे से भी सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाते समय जो पिन लगाए थे वो भी निकालते जाएंगे। जितने फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आएगी उतने फिनिशिंग के साथ हमारी जिप बैठेगी। अब हम घेरे के ऊपर आ गए हैं सिलाई लगाते लगाते, क्योंकि घेरे के ऊपर 2 इंच तक हमें सिलाई लगानी है। 3 इंच तक हमने कट किया है लेकिन 2 इंच तक ही हम सिलाई लगाएंगे। क्योंकि 1 इंच ऊपर तक हमारा निशान है यहाँ पर, तो यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर रिवर्स करेंगे थोड़ी सी सिलाई और बस धागा तोड़ देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है, तो ये इस तरह से सीधी होगी। अब दूसरी साइड में सिलाई लगा के लेते हैं। तो इस साइड में हमें नीचे से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एक ये जो जिप का वन लेग्स है ये एक साइड का ही है, तो इसलिए इसको नीचे से शुरू करना है। जिप को अच्छे तरह से प्रेस करना होता है उंगली से, ताकि ये किनारे से हमारी सिलाई आए। और इस साइड की भी सिलाई हमने कंप्लीट कर दी है और ये जिप अटैच हो चुकी है। अब ये किस तरह से लगी है देखो। नीचे की साइड में जो पिन लगाई थी वो मैं निकाल देती हूँ, और यहाँ पर 1 इंच हमारा नीचे की तरफ खुला रहेगा जो मैंने बताया था। तो इसको किस तरह से बंद करेंगे, तो सबसे पहले ये जो जीप है इसको हम अंदर की तरफ डालेंगे। जहाँ पर हमने 1 इंच खुला छोड़ा है वहाँ से इसको अंदर की तरफ डालेंगे। डालने के बाद अब हमें इसको उल्टी साइड में लेना पड़ेगा, तभी मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँगी। लेकिन तब तक आप देखिएगा ये जीप हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ बैठी है, पूरी इनविजिबल होती है, अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठी है, ज़रा भी नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो ओपन है इसको बंद कर देते हैं, तो इसके लिए मुझे ये उल्टी साइड में लेना पड़ेगा। तो ये मैंने उल्टी साइड में ले लिया हमारा गाउन। और यहाँ पर जो खुला है यहाँ पर किस तरह से सिलाई लगानी है ये सिलाई मशीन की ओर देखते हैं। इसको यहाँ से इस तरह से बंद किया जाता है और यहाँ से सिलाई लेती है। तो आते हैं सिलाई मशीन की ओर। यहाँ पर ये इस तरह से नीचे की तरफ ओपन रहेगा, तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से फोल्ड कीजिएगा बराबर से। फोल्ड करने के बाद नीचे की ओर भी अच्छे से सेंटर में फोल्ड कीजिएगा जो हमारा होल है। जिप को आगे की तरफ लीजिएगा, जिप हमारी सिलाई के बीच में नहीं आनी चाहिए। और यहाँ से हम शुरू करेंगे सिलाई लेने के लिए, क्योंकि हमें नीचे की तरफ का होल जो है वो बंद करना है। तो यहाँ से सिलाई शुरू करते हुए डार्ट की तरह आगे की तरफ हम इसको बंद करते जाएंगे इस तरह से। बिल्कुल ये डार्ट की तरह ही हमें लेनी है सिलाई, और ये सिलाई लेकर हमने इसको बंद कर दिया। अब हमें एक और सिलाई लेनी है इस ओर, तो इस ओर एक रिवर्स स्टिच लेंगे 2 से 3 बार और इसको हम बंद कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूरी हो गई है सिलाई। अब जो बचा हुआ जिप है उसको आप कट भी कर सकते हो या ऐसे ही भी छोड़ सकते हो। इसको मैं बाद में कट कर दूंगी एक्स्ट्रा का जो है जिप वो। और ये जिप हमारी पूरी देखिए सीधी साइड में ये किस तरह से दिखेगी, पूरे फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये बैठी है। और यहाँ पर ये नीचे की तरफ भी बहुत अच्छे से बैठी है, कहीं पर भी ये नज़र नहीं आएगी कि ये हमने यहाँ पर कट किया है।
तो इस तरह से ये जेब अटैच हो चुकी है। अब आते हैं नेक की ओर। तो बैक का नेक हमें फिनिशिंग करना है अभी भी, तो ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा का जिप है उसे कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद जिप को ऊपर की तरफ मत खींचिएगा, नहीं तो जिप आगे की आगे से होते हुए निकल जाएगी। अब यहाँ पर नेक का फिनिशिंग करते हैं, तो जिप को मैं खोल देती हूँ। और यहाँ पर लेंगे हम बाय स्ट्रिप यानी ओरेप पट्टी, ये मैंने ले ली है। इसकी चौड़ाई भी मैंने 1.5 इंच यानी 1.5 इंच रखी है। अब इसको अच्छे से यहाँ पर कर लेंगे। पट्टी को लगाना शुरू करेंगे फ्रंट की ओर से, यानी कि जहाँ पर हमारा शोल्डर का जॉइंट है उसके आगे 1 इंच पट्टी को रखिएगा और यहाँ से हम सिलाई को शुरू करेंगे। पट्टी को एक्स्ट्रा रखिएगा आगे की ओर और थोड़ा सा अंदर की साइड से सिलाई को शुरू करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा, मैं पूरी सिलाई लगा के ले लेती हूँ। यहाँ पर जो जिप है वो बाहर की तरफ मैंने निकाली है जिप की पट्टी को, और उसके ऊपर से हमें सिलाई लेनी है। सिलाई हमने यहाँ पर ले ली। अब जो एक्स्ट्रा की पट्टी है उसको हम 1 इंच आगे की तरफ रखते हुए कट करेंगे। जिप के आगे 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी रखी है और कट कर दी। इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए पट्टी को मैंने इस तरह से यहाँ पर मोड़ा, फिर आगे से मैंने नीचे की तरफ मोड़ा और फिर से ऊपर से मोड़ा। तो आपने देखा मैंने किस तरह से फोल्ड किया, और फिर से एक बार इसको फोल्ड किया क्योंकि जिप अंदर की तरफ मोड़ दी। तो इस तरह से मोड़ने के बाद अब हम इस पट्टी के ऊपर से सिलाई लेंगे। यहाँ पर सिलाई लेते समय सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ रहेगी। और ये देखो 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी पट्टी, तो इसको मोड़ के लेंगे यहाँ पर, जो कि हमने फ्रंट की ओर से सिलाई शुरू की थी। ये हमारी पट्टी यहाँ पर लग चुकी और आप देख सकते हो, ये देखिए पूरे फिनिशिंग के साथ ये लगी है। जब हम इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो ये पूरे फिनिशिंग के साथ यहाँ पर नजर आएगी। और इसके ऊपर अंदर की तरफ मोड़कर हमें सिलाई लगानी है, या फिर आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हो। सेम इसी तरह से मैं इस साइड में भी ये पट्टी ज्वाइंट करूँगी। तो देखो मैंने इस साइड में भी पट्टी ज्वाइंट कर दी है। पट्टी ज्वाइंट करने के बाद अंदर की तरफ मोड़कर मैंने ऊपर की तरफ से सिलाई भी ले ली है और ये नेक का पोर्शन अच्छे से तैयार हो गया है। अब आते हैं बॉटम की ओर। तो ये हमारे लाइनिंग का बॉटम है, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। 1/4 इंच यानी 1/2 इंच से थोड़ा सा कम इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई लग जाने के बाद मेन फैब्रिक का जो बॉटम है इसको अच्छे से पिको करके लीजिएगा। पिको करते समय थोड़ा सा खींच के पिको करेंगे तो ये इस तरह से कर्ली कर्ली पिको तैयार हो जाता है, बहुत अच्छे से दिखता है। तो ये देखिए हमारा गाउन तैयार है, बहुत सुंदर लग रहा है और चोली पैटर्न भी बहुत अच्छे से फिटिंग में आया है। तो मैं आशा करती हूँ ये पूरा ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो।